आज शनिवार है भाई, और शनिवार की रात बड़ी फेमस नाइट होती है भाई। यहाँ क्लब कल्चर है भाई, तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ की नाइट लाइफ कैसी होती है। ये बोल रहे हैं भाई तुम्हारे लिए श्रीमान स्पेशल आया है। टोरंटो के जाने माने क्लबों में से एक मेन फेमस क्लब है भाई, पर कभी हम एंट्री कर रहा था तो ये बोले नमस्ते इंडिया वेलकम टू कनाडा, नमस्ते इंडिया वेलकम टू कनाडा। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं ब्रैम्पटन कनाडा में भाई, टोरंटो के पास है ये सिटी। मोस्टली लोगों को पता है भाई ब्रैम्पटन कहाँ है। इस सिटी को हम मिनी इंडिया भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ आपको गोरे लोग मिलेंगे ही नहीं। ब्रैम्पटन टोटली इंडियन है भाई, टोटली इंडियन। आपको यहाँ इंग्लिश बोलनी नहीं पड़ेगी भाई। मुझे इस सिटी की खास बात ये लगी, ये देखो भाई हर घर के आगे पार्क है, दिख गया। इस साइड भी भाई हर घर के आगे पार्क है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। और जो ये पार्क की घास है ये आपको टाइम टू टाइम कट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जुर्माना लग सकता है, फाइन देना पड़ सकता है भाई। सीधा सा मतलब ये है, अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आपको सफाई रखनी पड़ेगी। आज मैं जा रहा हूँ टोरंटो सिटी में। वैसे तो 2-3 दिन पहले मैं टोरंटो था भाई कुछ दिन के लिए, पर एक जगह देखने में भूल गया था जिसको बोलते हैं नेथन फिलिप स्क्वेयर, बहुत फेमस जगह है भाई, और वो दिमाग से निकल गई। तो मैंने सोचा आज चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एक तो आपको मैं नेथन फिलिप स्क्वेयर दिखाऊंगा, वो तो दिखानी है भाई। और दूसरा, आज है सैटरडे, टाइम फिलहाल हो चुका है भाई 7:15 बज चुके हैं। 7:15 नहीं भाई, 7:37, ये देखो रात के हैं ये, और कोलकाता में सुबह के 5:07 हो चुके हैं। और यहाँ अभी भी धूप है, आपको वहाँ सूरज दिख रहा होगा, और ये देखो धूप है भाई। 7:49 पे मेरी है ट्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो मैं आपको नेथन फिलिप स्क्वेयर दिखाऊंगा, और दूसरा आज शनिवार है भाई, और शनिवार की रात बड़ी फेमस नाइट होती है भाई। अमेरिका हो या कनाडा हो या जितनी भी इंग्लिश कंट्री है, यहाँ क्लब कल्चर है भाई, तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ की नाइट लाइफ कैसी होती है। तो दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एक तो नेथन फिलिप स्क्वेयर, आपको ब्रैम्पटन भी थोड़ा बहुत दिखाया और आपको बताया कि यहाँ इंडियन लोग रहते हैं, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। और अगली बात टोरंटो की नाइट लाइफ, फेमस सिटी है भाई टोरंटो कनाडा में, और यहाँ की नाइट लाइफ सबसे बड़ी फेमस है। ये दो बंदे पीछे रह गए थे भाई, अब देखो भागे आ रहे हैं, वो रुक गए फोन निकालते ही। आ जाओ आ जाओ। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ बस स्टेशन भी है और इस साइड ये ट्रेन स्टेशन है भाई। ये देखो ये जो हरे रंग की ट्रेन है, ये गो ट्रेन है। यहाँ से जाना होगा हमें सीधे, फिर अंडरग्राउंड क्रॉस करके नीचे से दूसरी साइड निकल जाएंगे। जाना नहीं, मैंने तो आगे जाना है। जो ये बस है भाई, इस बस का किराया अगर आपके पास प्रेस्टो कार्ड है तो $3.40 है। स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और एंट्री होते ही सबसे पहले आपको यहाँ प्रेस्टो टैप करना पड़ेगा। टैप कर दिया, 3.70 कट गए भाई। यहाँ भाई गांजे की स्मेल आ रही है, गांजे की। तो जैसा मैंने आपको दिखाया 3.70 कट चुके हैं, आगे एक बार टैप करके आपको दिखाऊंगा मैं कितने और कटेंगे। तौलिया जान, ट्रेन निकलने को भाई, ये देखो भाग रहे हैं, ये देखो भागो भागो, खड़ी है भाई ट्रेन, ये देखो पहुंच गए भाई। ट्रेन चल पड़ी है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन चली है, सही बात है ना? सही बात है। एक बंदा हाँ भरने के लिए मैंने बिठा रखा है, हाँ नहीं भरेगा तो। ये अपना सागर भाई है, और हम साथ जा रहे हैं, आज टोरंटो की नाइट लाइफ आपको दिखाएंगे। और एक बंदा वो सामने बैठा भाई, नितिन, और ये रहा ताऊ, ये अपना काला भाई है भाई काला। ये देखो भाई क्या हरियाली है, गजब हरियाली है, खाली हरियाली है भाई, खेती नहीं होती इस एरिया में, सही बात है ना? खाली ये पेड़ देख लो, पर खाने पीने का कुछ होता नहीं है, मतलब दिखाने दिखाने का है, कमाने का नहीं है। एक बार फिर बता रहा हूँ भाई, यहाँ टॉयलेट की सुविधा भी है इस ट्रेन में, ये देखो मैंने जूम कर दिया है, और साफ सुथरी टॉयलेट है भाई, कोई स्मेल नहीं आ रही है। टॉयलेट देखो भाई ट्रेन के कितने क्लीन है, बिल्कुल आपको कहीं भी कोई बदबू वगैरह या फिर कोई भी मतलब शिकायत आप नहीं कर सकते। और ये तुम्हारा भाई खड़ा है भाई, अच्छा है भाई, यहाँ पे आपको सोप मिलेगा और यहाँ आप अपने हाथ धो सकते हो, और यहाँ आप ऐसे करोगे ना तो पानी ऑटोमेटिक फ्लश हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं बाहर।
टॉयलेट दिखाना आप लोगों को जरूरी था। अब कुछ लोग सोचेंगे ये क्या दिखा रहा है भाई। मेरा टॉयलेट दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मुझे आपको टॉयलेट ही दिखाना है, मेरा ये मतलब था कि भाई सफाई पूरी है। तो उस हिसाब से ट्रेन भी महंगी है भाई, अपने इंडिया का हिसाब किताब देखें तो सही बात है ना। ठीक है भाई बात। और कितने मिनट लगते हैं भाई ट्रेन पहुँचने में? 35-40 पूरी भाई, 47 मतलब 47-49 मिनट लगती हैं। इस बंदे पे भरोसा मत करना। हाई स्पीड ट्रेन नहीं है भाई, माउंट पुलिजन स्टेशन से हम बैठे थे और यूनियन पे पहुंचेंगे हम टोरंटो सिटी में। इनकी दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर 47-49 मिनट में पहुंचती है, मैं आपको बता दूंगा। बीच में स्टॉप है भाई, पर वैसे भी स्पीड फास्ट नहीं है भाई, हम फास्ट स्पीड नहीं कह सकते। यूनियन स्टेशन पर पहुंच चुके हैं भाई और अब कार्ड टच करेंगे, आपको बताएंगे कितना कटा। $10 के करीब लगे हैं भाई टोटल, 3.30 वहाँ लगे थे, अच्छे से याद नहीं है, आपने देखा होगा स्क्रीन पे, और 6 कुछ यहाँ लगे हैं भाई। तो अब यूनियन स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ये देखो भाई गगनचुंबी इमारतों के दर्शन आपको हो जाएंगे। और ये पूरी टीम, ये देखो भाई सारे बंदे कोट पहन के आए हैं, ये देखो सारे बंदे आपका बिना कोट भाई, ये जवान पिंडी अपने देश की भाई। नजारा जबरदस्त है भाई, गगनचुंबी इमारतें हैं चारों तरफ, मुझे तो ये नजारा बहुत अच्छा लगा भाई। नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे पहुंच चुके हैं भाई और एक नई इन्फॉर्मेशन सूचना मिली है कि यहाँ शेरीमान आए हुए हैं। आपको बता दूं मैं शेरीमान के लिए मैं नहीं आया था, ये तो कुदरती मतलब टाइम घड़ी ऐसा सेट हो गया कि शेरीमान को भी देखने का मौका यहाँ मिलेगा। ये बोल रहे हैं भाई तुम्हारे लिए शेरीमान स्पेशल आया है, चलो भाई। ये है भाई नेथन फिलिप्स स्क्वायर, आपको यहाँ इंडियन ही इंडियन दिखाई देंगे। कोई एक आधा विदेशी दिख गया तो दिख गया, थोड़ा जूम करता हूँ आपको टोरंटो दिखाता हूँ लिखा हुआ। एक नज़ारा चारों तरफ से लेते हैं भाई, शेरीमान का गाना बजा हुआ है, बेबे तेरी आटे दी चिड़ी। ये देखो भाई आपको इंडियन फूड की या फिर फास्ट फूड की स्टॉल आपको यहाँ मिलेंगी। शेरीमान आया हुआ ना तो इस कारण आज भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, ये वेजिटेरियन है भाई, काफ़ी भीड़ है भाई शेरीमान की वजह से। चलो नज़दीक चलते हैं शेरीमान को, थोड़ा आपको जूम करके दिखाएंगे। ये देखो भाई आपको शेरीमान दिखाता हूँ जूम करके, ये शेरीमान है भाई, चेक की शर्ट पहने हुए है, ये रहा शेरीमान देख लो। भाई साउथ इंडियन है, $7.5 का दिया है, समोसा दिया था 6 का। बस शेरीमान के कॉन्सर्ट को छोड़ के हम यहाँ खाने पीने आ गए थे, पहले तो दही ब्रेड खर्ची और उसके बाद ये एक जूस ले लिया। इस जूस की कीमत है लगभग $6 के करीब और ब्रेड वगैरह दही वगैरह वो भी मुझे $60 से ज़्यादा पड़ गया था। चलो तो मैं कॉस्ट नहीं बता रहा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कनाडा कितना महंगा सस्ता है, आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा भाई। और जो तो जूस लिया इसका टेस्ट ज़बरदस्त है भाई, पता भाई कैसा टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट, एक नंबर टेस्ट। रास्ता कितना भाई अपना रास्ता? रास्ता तो देखना पड़ेगा गूगल मैप। मेरे पीछे भाई ये 5th क्लब है, द 5th सोशल क्लब नाम है भाई, टोरंटो के जाने माने क्लबों में से एक मेन फेमस क्लब है भाई। पर जब यहाँ मैं एंट्री कर रहा था तो ये बोले कि अपनी आईडी दो, तो मेरे पास पासपोर्ट वगैरह है नहीं, पासपोर्ट मैंने दिया हुआ है किसी कंट्री का वीज़ा लगवाने के लिए। और दूसरी बात इनकी एंट्री थी $15, तो क्लब में पैसे खर्चना मैं मूर्खता समझता हूँ, समझदारी काम नहीं है, तो मैं आ गया बाहर की तरफ। हाँ अगर कोई ऐसा लोकल क्लब होगा जिसमें एंट्री फ्री होती है बहुत सारे क्लबों में तो मैं आपको माहौल दिखा दूंगा। 2-3 क्लब में गए भाई तो नाइट लाइफ यहाँ की टोरंटो की डगमग है, क्योंकि हर क्लब में एंट्री फीस आपको देनी पड़ेगी। और दूसरी बात जैसे आप थाईलैंड में देखते हो या वियतनाम में देखते हो, जैसे पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है और वियतनाम में जैसे बुईबीन स्ट्रीट है, इस तरह की नाइट लाइफ आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। बाकी नाइट लाइफ यहाँ की ऐसी है भाई, क्लब के अंदर जाओ ड्रिंक करो और जिसको नाचा कूदी करने हो करो और फिर अपने घर आ जाओ। तो यहाँ की नाइट लाइफ मुझे पसंद नहीं आई। और बाकी जो अपने पीछे जो भाई बैठे हैं ये थगे भाई, ये बूढ़े हो गए हैं और इनकी इतनी हिम्मत है नहीं। वैसे भाई लास्ट ट्रेन है यहाँ पे 11:51 से और हम उस ट्रेन को पकड़ेंगे, नाइट लाइफ को नहीं। ये बढ़िया माहौल है भाई, यहाँ पीने का पानी आपको फ्री मिलेगा। तो आज के लिए इतने ही वीडियो काफी है, अब हम जा रहे हैं वापस ब्रैम्पटन। तो आपको करते हैं भाई बाय बाय, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत। तो टोरंटो कनाडा।